तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो स्मार्ट वॉच है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है Amazfit की तरफ से Amazfit Pop 2। और दोस्तों हम इंडियंस को क्या चाहिए होता है, कम पैसे में ज्यादा फीचर। तो दोस्तों Amazfit ने यही करने की कोशिश करी है। इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले भी मिलेगा और दोस्तों ब्लूटूथ कॉलिंग भी देखने को मिल जाएगा। बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे और सारे फीचर अच्छे से आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपका प्यार भी मुझे चाहिए होता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या इसी तरीके का आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलेगा। बॉक्स के ऊपर में Amazfit Pop 2 मेंशन हो रखा है। यहाँ पे दोस्तों 1.78 HD AMOLED डिस्प्ले भी मिल रहा है, ब्लूटूथ कॉलिंग भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। बैक साइड में इसके कुछ और की हाईलाइट मिल जाएंगे, जैसे ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजरमेंट, 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड, 150 प्लस वॉच फेसेस, लॉन्ग बैटरी लाइफ। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाली है। यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच रखे, वॉच को थोड़ा साइड कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बॉक्स कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा और पूरा यूजर मैनुअल आपको हिंदी में देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाता है। केबल की क्वालिटी की बात करूं तो ठीक ठाक है, और मैग्नेटिक चार्जर इसमें आपको मिलने वाला है। अब बात करेंगे अपनी स्मार्ट वॉच के बारे में। डिस्प्ले पे दोस्तों इन्होंने एक पॉलीथेन चिपका रखा है, वो मैं आपको हटा के दिखा देता हूं। डिस्प्ले कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। वॉच की बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों डिजाइन मुझे काफी ठीक ठाक लगा है 3299 में। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो डायल दोस्तों इन्होंने फुली मेटल से बनाया है। यहाँ पे सिंगल बटन देखने को मिल जाएगा जो कि मल्टी फंक्शन बटन है। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पॉलीकार्बोनेट का यूज किया है, सारे सेंसर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको चार्जिंग पिंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने स्पीकर ग्रिल लगाया क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग भी है। और दोस्तों इस साइड इन्होंने लगाया है माइक्रोफोन। स्ट्रैप की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रैप मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब डिसेंट टाइप लगे, ज्यादा अच्छे नहीं लगे। और दोस्तों कोई भी 22mm वाले स्ट्रैप से इसे आप रिप्लेस भी कर पाओगे। यहाँ पे भी दोस्तों ठीक ठाक स्ट्रैप देखने को मिलेंगे और बकल इन्होंने दोस्तों बनाया है मेटल से। ओवरऑल दोस्तों बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा है। और दोस्तों डायल का जो बिल्ड है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन स्ट्रैप ने उतना ज्यादा मुझे इंप्रेस नहीं किया है। वॉच को ऑन कर लेते हैं। अगर आप मल्टी फंक्शन बटन को थोड़ा लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी वॉच जो है ऑन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों Amazfit की ब्रांडिंग आ चुकी है। दोस्तों डिस्प्ले की बात करूं, डिस्प्ले आपको 1.78 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे धूप में यूज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे काफी अच्छे से आपको दिखाई देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये वॉच फेसेस मैंने इसलिए लगाया जिससे आपको इसके बेजल समझ में आ जाएंगे किस तरीके का आपको मिलेंगे। कनेक्टिविटी की बात करूं तो जिप एक्टिव ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाओगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। ऐप की यूआई मैं आपको दिखा देता हूं। ऐप की यूआई कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिलता है, डायल सेंटर देखने को मिल जाएगा। अगर आप डायल सेंटर में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 100 प्लस वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे। हार्ट रेट मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, बेट और SP2 मॉनिटर भी इधर ही से आप चेकआउट कर पाओगे। अगर आप प्रोफाइल में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको Amazfit वॉच का मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपकी वॉच कितनी चार्ज है वो भी शो होने वाला। स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा, डायल सेंटर, कैमरा कंट्रोल, नोटिफिकेशन सेंसर, और दोस्तों कॉल रिमाइंडर, रिमाइंडर सेटिंग, हार्ट रेट सेटिंग, और दोस्तों फाइंड माई डिवाइस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वॉच आपको IP68 रेटेड मिल रही है, तो जिम वगैरह में अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तो आप इसे यूज कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और दोस्तों बारिश में भी आप इसे यूज कर पाओगे, नहाते टाइम भी आप यूज कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। और दोस्तों स्विमिंग के लिए अगर आप इसे लेके जा रहे हो तो आपको 1.5 डेप्थ वाटर में जाना है, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। अगर आप उससे ज्यादा नीचे जाते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी यूआई और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। अगर आप स्क्रीन पे थोड़ी देर तक होल्ड करके रखोगे तो यहाँ से कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस आप चेंज कर पाओगे। अगर आप इधर से स्वैप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेप्स काउंट, कैलोरी काउंट, किलोमीटर दिख जाएगा। एक बार और स्वैप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा, और दोस्तों स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाता है, SP2 मॉनिटर मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप वेदर अपडेट भी ले पाएंगे। एक बार और स्वैप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट, प्रीवियस कर पाओगे, प्ले पॉज कर पाओगे, और दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप एक बार और स्वैप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, और दोस्तों फिर से आप होम स्क्रीन पे पहुंच जाओगे। अगर आप ऊपर से स्वैप डाउन कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिल जाता है, इधर से आप अपनी बैटरी भी चेकआउट कर पाओगे, और दोस्तों डेट टाइम वगैरह इधर से चेकआउट कर पाओगे। DND देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों इधर से आप अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाओगे।
और दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, और दोस्तों बैकअप एंड गेस्चर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आपको मिल जाता है सेटिंग। अगर आप सेटिंग में जा रहे हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको मिलता है मेन्यू स्टाइल। अगर आप मेन्यू स्टाइल में जा रहे हो तो दोस्तों आप अपने मेन्यू को 9 ग्रेड में कर सकते हो और लिस्ट ग्रेड में कर सकते हो। अगर आप 9 ग्रेड में कर रहे हो तो दोस्तों आपका मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अगर आपको 9 ग्रेड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है तो लिस्ट व्यू भी आप कर पाओगे। अगर लिस्ट व्यू कर रहे हो तो आपका मेन्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला है। वॉच फेसेस देखने को मिल जाएगा, और दोस्तों ब्राइटनेस एडजस्ट करने का भी ऑप्शन दिख जाएगा। एओडी टाइम भी देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहां से आप अपने स्क्रीन का टाइम इंक्रीज डिक्रीज कर पाओगे। और दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा एओडी क्लॉक, तो दोस्तों इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। उसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे यहां पे दोस्तों, डिजिटल क्लॉक मिल जाएगा और एनालॉग क्लॉक। अगर आप डिजिटल क्लॉक कर रहे हो तो आपका स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अगर आप एनालॉग कर रहे हो तो दोस्तों आपका स्क्रीन इस तरीके से दिखाई देने वाला है। बैटरी सेवर देखने को मिलेगा, और दोस्तों क्यूआर कोड मिल जाएगा, और यहां से आप अपना पासवर्ड भी सेट कर पाओगे। और दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा वाइब्रेशन इंटेंसिटी। अगर आप वाइब्रेशन इंटेंसिटी में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से आप अपने वाइब्रेशन को सॉफ्ट और स्ट्रांग कर पाओगे, और ऑफ करने का भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। और दोस्तों यहां पे आपको मिल जाएगा सिस्टम इन्फो, लैंग्वेजेस, और दोस्तों शट डाउन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट, और दोस्तों रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इधर से स्वैप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको वही शॉर्टकट कार्ड देखने को मिल जाएगा जो आप राइट से लेफ्ट स्वैप कर रहे थे। अगर आप नीचे से स्वैप अप कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस करो तो यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिलेगा। मेन्यू में सबसे पहले डायल पैड देखने को मिल जाता है, डायल पैड कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन देखने को मिल जाता है, तो दोस्तों यहाँ से आप कुछ कॉन्टैक्ट भी ऐड कर पाओगे। अपनी वॉच में कॉल रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, और दोस्तों डाटा देखने को मिल जाएगा, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 150 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट करना है तो उस पर टैप करना है, आपका स्पोर्ट्स मोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको मिल जाएगा वर्कआउट रिकॉर्ड, कैमरा कंट्रोल, और दोस्तों यहाँ पे आपको वेदर अपडेट, स्लीप मॉनिटर देखने को मिल जाएगा, अलार्म क्लॉक सेट कर सकते हैं, और दोस्तों टाइमर देखने को मिल जाएगा, स्टॉप वॉच, ब्रीथिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलेगा, फीमेल हेल्थ मिल जाएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन सेक्शन, म्यूजिक कंट्रोल, फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है, फ्लैश लाइट कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है, और आपको मिल जाएगा सेटिंग। तो ये थे वॉच के फीचर और वाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसे मैंने 3299 में परचेस किया था। 3299 के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों काफी अच्छे फीचर के साथ ये वॉच आपको मिल जाएगी। जैसे इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, और दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ फीचर इसमें मुझे मिसिंग भी लगे हैं, जैसे कैलकुलेटर, और दोस्तों गेम्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और दोस्तों बात करूं इसके इन हैंड लुक की, तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आने वाला है। ज्यादा लाइट वेट भी नहीं है, ज्यादा हैवी भी नहीं है। अगर आप इसे स्लीप ट्रैकिंग के लिए यूज करोगे तो अच्छे से यूज कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बैटरी बैकअप की बात करूं तो इन्होंने बॉक्स पे मेंशन कर रखा था लॉन्ग बैटरी, तो दोस्तों 10 डे इन्होंने लगभग बोला है 10 डे बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताता हूं, अगर आप इसे ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज करोगे तो आपको 2 से 3 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा। अगर आप इसे विदाउट ब्लूटूथ कॉलिंग यूज करोगे तो आपको लगभग 4 से 5 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। दोस्तों कॉल नोटिफिकेशन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला, जहां से आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाओगे। दोस्तों कोई भी आपको क्विक रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। रिसीव करने के बाद दोस्तों आपको डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, और दोस्तों म्यूट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और दोस्तों यहां पे आपको कॉल को ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं दिखता है। इधर से दोस्तों आप अपने वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज भी कर पाओगे। रही बात दोस्तों इसके ब्लूटूथ कॉलिंग की, तो वो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं कि इसके माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरीके से वर्क करें। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए परचेज कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो, हाँ भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं, लेटा हूं। अच्छा थोड़ी हेल्प कर यार। हाँ बताओ यार। मैंने एक अमेज फिट का वॉच परचेज किया, अमेज फिट पॉप 2, ठीक है, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। तो ये बता माइक्रोफोन इसके किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? आवाज तेरे पास अच्छे से आ रही है? हाँ वॉच के लिए फोन की तरह आवाज आ रही है, लग रहा फोन से कर रहा है। अच्छा ओके, कॉलिंग के लिए अगर कोई परचेज करना चाह रहा है तो कर सकता है ना इस वॉच को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। अच्छा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं कहीं दूर से बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं? नहीं 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 नहीं।
अच्छा ओके ब्रो। दोस्तों रही बात इसके सेंसर की एक्यूरेसी की, तो दोस्तों वो मैं आपको अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर से टेस्ट करके दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। की बात करूं तो दोस्तों मेरी वॉच में अभी 70 बीट्स पर मिनट दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर लगा रखा है, वहां पे दोस्तों 70 बंद दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा एक्यूरेट ये वॉच लग रही है। SpO2 मॉनिटर की बात करूं तो दोस्तों मेरी वॉच में अभी 90% दिख रहा है, मेरे ब्लड में ऑक्सीजन है। यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर लगा रखा है, उसमें आपको 97 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा है वॉच में और ऑक्सीमीटर में। हार्ड सरफेस पे रखे देखा तो यहाँ पे इसने एक एरर शो कर दिया है, इसे सॉफ्ट सरफेस पे रखे देखा तो यहाँ पे इसने रीडिंग शो कर दी है। तो दोस्तों बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर इसमें अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों अब बात आती है 3300 रुपए के प्राइस पॉइंट में इस वॉच को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप एमोलेड डिस्प्ले के साथ कोई ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हो तो इसको आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों इसमें कुछ फीचर मुझे कम भी लगे, जैसे गेम्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, कैलकुलेटर भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था Amazfit Pop 2 का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आप कॉन्टेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।